नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बाल विवाह पर आज मैं बात करने जा रही हूं कि बाल विवाह के लिए इतने कानून बन गए हैं कि अब तो लगता है कि जैसे बाल विवाह होते ही नहीं होंगे, लेकिन आज भी समाज में कुरीतियां जारी हैं। तो सरकार को आज भी हाई कोर्ट इसमें सुधार की अपील बार बार करता है। आप सभी ने देखा होगा कि टेलीविजन धारावाही ने भी इन कुरीतियों को सुधारने की पहल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बालिका वधु, बैरिस्टर बाबू और गंगा, ये ऐसे धारावाही हैं जिनमें बाल विवाह से लड़कियों की जिंदगी पर होने वाले अत्याचारों को दिखाया जाता है कि कैसे बाल विवाह से एक लड़के और लड़की के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और ये करना कितना गलत है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे आसपास कई ऐसे केस हम देखते होंगे कि जो बाल विवाह के होते हैं, कुछ पुलिस की नज़रों में आ जाते हैं तो सज़ा भी होती है, पर कुछ अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए तो इन सब में सुधार करने के लिए आज भी सरकार कदम उठाती है। राजस्थान में बाल विवाह निषेध कानून और सरकार की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह नहीं रुक पा रहे हैं। यही वजह है कि अब राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की भजनलाल सरकार को बाल विवाह नहीं होने देने के लिए जरूरी और गंभीर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट जस्टिस सुबा मेहता ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी सूरत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसके लिए पंच सरपंच को जागरूक किया जाए। अगर जिम्मेदारी का निर्वहन करने में जनप्रतिनिधि विफल हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। पंचायती राज नियम के तहत बाल विवाह रोकना पंच सरपंच की ड्यूटी है। बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य की PIL पर जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सुबे मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं कि आदेश की कॉपी CS सहित सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। अदालत ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 19 साल की लड़कियों में 3.7% महिलाएं या तो माँ बन चुकी हैं या फिर गर्भवती हैं। PIL में ये भी बताया गया है कि 20 से 24 साल की महिलाओं में 25.4% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में ये प्रतिशत 15.1 है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 28.3 हो जाता है। राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब में AAG BS छापा ने कहा है कि सरकार बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास कर रही है। 1098 नंबर पर बाल शोषण और बाल विवाह की शिकायत की जा सकती है। आपको फिर से मैं नंबर दोहरा देती हूँ, 1098 पर। इस पर आप भी क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया, मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।